नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, आज 22 जून और इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग डीपीसी से संबंधित आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबर आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हर प्रकार की शिक्षा विभागीय अपडेट और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी अपडेट के लिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते आज की अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उप प्राचार्य की वर्ष 22-23 की डीपीसी के उपरांत पदोन्नत होने वाले कार्मिकों के संबंध में पदस्थापन आदेश जारी किए जाने से पूर्व शाला दर्पण यानी HDPMS शाला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसका जो कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है। इस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा। यहाँ पर 22 जून यानी कि आज से 24 जून तक विशेष वर्ग की जानकारी हेतु निर्धारित प्रपत्र जारी कर सूचना प्राप्त करना और 25 जून से 27 जून तक प्राप्त सूचना के आधार पर अस्थायी वरीयता सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन कर वरीयता सूची के संदर्भ में आपत्तियां मांगना और 28 जून NIC शाला दर्पण जयपुर अथवा बीकानेर और संस्थापन AB अनुभाग निदेशालय द्वारा आपसी समन्वय द्वारा अपलोड डाटा का सत्यापन होगा। 30 जून को प्राप्त अंतिम आपत्तियों के आधार पर संशोधन करते हुए स्थायी वरीयता सूची का प्रकाशन होगा और शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप रिक्तियों का प्रकाशन 30 जून को और 1 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई के बीच वरीयता सूची में उल्लेखित आशार्थियों द्वारा विद्यालयों का चयन और ऑप्शन लॉक किया जाना जो कि 4 जुलाई को मध्य रात्रि 12 बजे तक का इसमें समय दिया गया है। 5 जुलाई को जो रहेगा आशार्थियों द्वारा लिए गए विकल्पों के आधार पर NIC और शाला दर्पण जयपुर अथवा बीकानेर द्वारा रिजल्ट अथवा रिपोर्ट तैयार करना और 8 जुलाई को रहेगा तैयार रिजल्ट अथवा रिपोर्ट के आधार पर पदस्थापन संबंधी आदेश जारी करना। ये इस प्रकार से उपप्राचार्य 22-23 डीपीसी के उपरांत जो पदोन्नत होने वाले कार्मिक है उनके पदस्थापना आदि से संबंधित बड़ी अपडेट अब आपको ले चलते हैं और इससे संबंधित जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ पर सूचना इसको लेकर आप देख सकते हैं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपप्राचार्य की वर्ष 22-23 की 9998 अभ्यर्थी की चयन सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है और उसके बाद बंद लिफाफा प्रकरणों में से विभागीय जांच समाप्ति के उपरांत 51 प्रकरणों में से लिफाफे खोले जाकर के पदोन्नति की अभिन्न संस्था भी यहाँ पर प्राप्त हुई। इस प्रकार काउंसलिंग हेतु योग्य कार्मिकों की सूची पुनः सहज अवलोकनार्थ अपलोड की जा रही है और साथ ही इससे संबंधित जो काउंसलिंग हेतु अस्थायी लिस्ट है वे भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही जारी हुई है वो माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा DB सिविल रिट पिटीशन संख्या 14/08/23 अन्य से जुड़ी हुई याचिकाएं में प्रदत्त अंतरिम निर्णय दिनांक जो कि 24 मई 2024 और DB स्पेशल अपील रिट नंबर 461/2023 के संदर्भ में अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय दिनांक जो कि 31 मई 2024 के क्रम में सूची में शामिल कार्मिकों के उपप्राचार्य पदों पर पदस्थापना आदेश जारी करने हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की वरीयता निर्धारण हेतु शासन उप सचिव विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र दिनांक 27/2021 की पालना में विशेष वर्ग की जानकारी तथा सूचनाएं संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित है। तो साथियों यहाँ पर जो ये 70% से अधिक दिव्यांग अथवा विकलांग व्यक्ति वाला प्रमाण पत्र दे रखा है इसकी संशोधित सूचना जारी हो चुकी है वह भी आपको वीडियो में दी जाएगी कि कितना परसेंट इसमें दिव्यांग या विकलांग को माना गया है उनके प्रमाण पत्र और विधवा महिला पति और इस प्रकार से रहेगा असाध्य रोग फिर एकल महिला फिर अन्य महिला और फिर इस प्रकार से ये अपडेट देख सकते हैं 24 जून तक विभागीय ईमेल आईडी यहां दी हुई है इस पर PDF फॉर्मेट में आवश्यक रूप से भिजवाएं। अब आपको ले चलते हैं लिस्ट की जानकारी और यहां पर संशोधित सूचना जो विकलांग से संबंधित थी यहां पर देख सकते हैं उस आदेश में 70% से अधिक दिया था यहां पर संशोधित जो सूचना है वो जारी हो चुकी है। आज 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति प्रमाण पत्र सहित इसको पढ़ा जाना है और देख सकते हैं यहां पर और अब आपको जो अस्थायी लिस्ट जारी हुई उसकी भी जानकारी दे देते हैं यहाँ पर काउंसलिंग हेतु यहाँ पर देख सकते हैं
साथियों उपप्राचार्य डीपीसी वर्ष 22-23 काउंसलिंग हेतु अस्थायी सूची अभी थोड़ी देर पहले जारी हुई। इसमें सीनियरिटी नंबर, सब्जेक्ट सीनियरिटी ईयर, एम्प्लॉय का नाम, डीओबी, एम्प्लॉय आईडी, सिलेक्शन डेट इत्यादि पूरी लिस्ट इसमें दी है और टोटल 47 पेज या 47 पेज की ये लिस्ट है। तो ये लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं और इसमें अपना नाम देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस समय की शिक्षा वर्ग डीपीसी से संबंधित। तो साथियों यही थी इस वीडियो में, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। साथियों और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड डीपीसी से संबंधित जैसे ही स्थायी लिस्ट जारी होती है या कोई अन्य अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। तो चैनल के साथ अवश्य जुड़ें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।